नमस्कार दोस्तों, स्टार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चलेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो पहली परिभाषा है हमारी वो है भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो दोस्तों भौतिक राशियां, तो दोस्तों समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है। तो दोस्तों वे राशियां जिनका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है तथा जिनका मापन संभव होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। या इसको दोस्तों थोड़ा सा और बेहतरीन भाषा में लिखना चाहें तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वे राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटना, भौतिक परिघटना से हो कामा जिनका एक निश्चित संख्यात्मक मान हो तथा जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि वे राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटना से हो, जिनका एक निश्चित संख्यात्मक मान हो तथा जिनका मापन संभव हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, बल आदि। तो दोस्तों ये जितना भी हम लोग राशि देख रहे हैं कि इनका संबंध हमारा किससे है, भौतिक परिघटना से। भौतिक परिघटना से कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारे वातावरण में जो घटित होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिघटना। तो इसका हम लोग देख रहे हैं लंबाई का हमारे भौतिक संबंध से संबंध है ही भौतिक वातावरण से, और इसका एक निश्चित संख्यात्मक मान भी होता है और इसका मापन भी संभव होता है। तो जो जो यहाँ पे राशियां लिखी गई हैं वो हमारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं भौतिक राशियां के बाद हम लोग देखते हैं कि मापन, मापन किसको कहते हैं, मापन। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि मापन क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक छड़, हमको एक छड़ दे दिया है और इसका हमको क्या पूछ रहा है, लंबाई, क्या पूछ रहा है, लंबाई, वो भी किसमें पूछ रहा है, मीटर में। लंबाई पूछ रहा है, वो भी किसमें पूछ रहा है, मीटर में। तो दोस्तों जो भी हमारा छड़ होगा इसको, इसका लंबाई हम लोग नापने के पश्चात मान लीजिए 10 आता है तो इसको हम लोग लिख देंगे कि 10 मीटर। क्या लिख देंगे, 10 मीटर। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग को ये जो हम लोग को मापन किया है ये अब हमने एक प्रक्रिया कर दी है, पूरी क्या कर दी है, प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया में हमने किया क्या है कि जो दी गई भौतिक राशि है, जो दी गई भौतिक राशि है उस मानक के कितने गुना है वही हमने क्या किया है, बताया है। मापन में हमने क्या किया है कि जो दी गई राशि है वो मापन के कितने गुना है वही हमने क्या किया है, बताया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मापन का आसानी से परिभाषा निकाल सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें दी गई राशि को
जिसमें दी गई राशि को मानक के कितने गुना है यह बताया जाता है। या ऐसे भी इसको कह सकते हैं दोस्तों कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह बताया जाता है कि दी गई राशि मानक के कितने गुना है। तो यहाँ पे लिख दिया जा रहा है दोस्तों इसका डिफिनीशन कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि दी गई राशि मानक के कितने गुना है। तो ये हो गया दोस्तों मापन। मापन एक तरह का क्या है, प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दी गई राशि है वो मानक के कितने गुना है, यही जो हम लोग क्या करते हैं बताते हैं। तो दोस्तों और जिस मानक का हम लोग ये प्रयोग करके किसी भौतिक राशि की तुलना कर रहे हैं, जिस मानक का हम लोग, ये जो हमारा मानक है, मानक तो जिस मानक का हम लोग प्रयोग करके इस भौतिक राशि का तुलना कर रहे हैं उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। तो मात्रक का भी यहाँ से परिभाषा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वह मानक जिसका प्रयोग भौतिक, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं दी गई भौतिक राशि की तुलना की जाती है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि यही जो मानक है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। तो इसमें क्या बता रहा है मात्रक कि वह मानक जिसका प्रयोग दी गई राशि की तुलना के लिए की जाती है या तुलना की जाती है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने मापन के बारे में क्या समझा, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें दी गई भौतिक राशि का मानक के कितने गुना है ये बताया जाता है। जबकि जो हम लोग को ये मानक प्रयोग किया जा रहा है भौतिक राशि की तुलना करने के लिए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मात्रक कि वह मानक जिसका प्रयोग दी गई भौतिक राशि की तुलना, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तुलना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से डिफिनीशन दोस्तों समझ लेंगे मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों कि मूल राशियां क्या क्या होती हैं। मूल राशियां, मूल राशियां, तो दोस्तों मूल राशियां क्या होती है इसको हम लोग समझ लेंगे पहले, इसके बाद इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। तो दोस्तों वे सभी राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वे राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशि दोस्तों सात होती है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला होता है हमारा द्रव्यमान, दूसरा होता है हमारा समय, पहले वाले में हम लोग ले लेते हैं लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय,
चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा, और पांचवा ऊष्मा, गतिक ताप, छठवां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। तो ये दोस्तों हमारी क्या है, मूल राशियां है। देखिए दोस्तों, इनको व्यक्त करने के लिए, इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम लोग केवल यम से निरूपित करेंगे और किसी की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग यम से निरूपित करते हैं और किसी की आवश्यकता नहीं है। समय को इसी तरह आई, इसी तरह सबका अभी हम इसका मात्रक भी बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारी मूल राशियां है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा, गतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब इसके बाद दोस्तों मूल मात्रक किसको कहेंगे, मूल मात्रक, मूल मात्रक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मूल मात्रक को क्या कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो जितनी भी हमारी मूल राशि है उनके जो जो भी मात्रक होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तो देखिए दोस्तों इसमें व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि वे राशि जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे राशि जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे वे राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि कौन कौन से है, बहुत सारी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन कुछ व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल देते रहे दोस्तों यहाँ से। जैसे हमारा हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मूल राशि, ये लंबाई हमारा, लंबाई हमारी कैसी राशि है, मूल राशि, और जो चौड़ाई वो भी एक तरह की क्या है, लंबाई ही है, तो ये भी हमारी क्या है, मूल राशि। तो देख रहे हैं मूल राशि के पदों में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं, माने ये क्या हो गई हमारी व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल हो गया हमारा, बल हो गया, वेग हो गया, और भी राशि हो जाएगी व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों इन सात मूल राशि और दो पूरक राशि को छोड़कर सभी जितनी भी राशियां होती हैं वो हमारी व्युत्पन्न राशि ही होती है। तो व्युत्पन्न राशि के बाद दोस्तों हम लोग देख लेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक के बारे में दोस्तों यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को ही हम लोग का क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अब चलेंगे दोस्तों मापन की प्रणाली देखेंगे, मापन की प्रणाली, मापन की प्रणाली। मापन की प्रणाली, तो मापन की प्रणाली में देखेंगे दोस्तों पहला हम लोग देखते हैं मापन की सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मापन की सीजीएस प्रणाली में क्या कैसे मापा जाता है, देखिए जो हमारी लंबाई है, लंबाई इसको हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में, और जो हमारा द्रव्यमान है इसको हम लोग मापते हैं ग्राम में, और जो हमारा समय है इसको किस में मापते हैं सेकेंड में। दूसरा एम के एस प्रणाली, एम के एस प्रणाली, एम के एस प्रणाली। तो दोस्तों इसमें क्या क्या नापा जाता है, कैसे लंबाई को मापते हैं हम लोग मीटर में, मीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग किग्रा में, और समय को मापते हैं सेकेंड में। तो ये हो गया दोस्तों एम के एस प्रणाली में किस तरह से मापा जाता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों एफ पी एस प्रणाली, एफ पी एस प्रणाली। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो लंबाई होता है हमारा फुट में मापा जाता है, लंबाई किसमें मापा जाता है फुट में, और जो द्रव्यमान होता है किसमें मापा जाता है किग्रा में, और जो समय होता है किसमें मापा जाता है सेकेंड में। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मापन की प्रणाली। मापन की प्रणाली में दोस्तों एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो मापन की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसे हम लोग एसआई बोलते हैं। तो एसआई दोस्तों इसको आप लोग समझ लीजिए कि जो एमकेएस है उसी का ये सुधरा हुआ रूप है। तो एमकेएस ने जो है क्या माना है दोस्तों, सात राशियों को मूल राशि माना है जबकि दो को पूरक राशि माना है। तो सात राशि का जो हमारा मात्रक इसने बताया है उसे मूल मात्रक बताया है, और पूरक राशियों के, पूरक राशियों के जो मात्रक को बताया उसको पूरक मात्रक बताया। तो दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या बताया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या इसको हम लोग कह सकते हैं मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो जो मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सात मात्रक बताए हैं, सात मात्रक बताए हैं वो भी किसके किसके, सात मूल राशियों की। तो इधर हम लोग लिख दे रहे हैं मूल राशि, एक तरफ हम दिखा दे रहे हैं मूल राशि, और इधर दिखा दे रहे हैं मूल मात्रक, या ऐसे लिख दे रहे हैं मात्रक लिख दे रहे हैं, और इसको हम इसका प्रतीक, ये प्रतीक इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आएगा लंबाई, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक दोस्तों हमारा क्या होता है मीटर, और इसको डिनोट कैसे करेंगे स्मॉल एम से। और दूसरा हमारा होता है दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें मापा जाता है एसआई यूनिट में, किसमें मापा जाता है किलोग्राम, 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 और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग केजी से। और तीसरा हमारा हो गया समय, इसको हम लोग करते हैं सेकंड में, सेकंड में, और इसको डिनोट कैसे करते हैं इस। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों एम्पियर, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग ये से। और चौथा हमारा क्या होगा ऊष्मा गतिक ताप, ऊष्मा गतिक ताप। तो एक तरह का हमारा ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम लोग किस में नापते हैं दोस्तों केल्विन, केल्विन में नापते हैं, और इसको कैसे निरूपित करते हैं स्मॉल केस। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग दोस्तों किस में मापते हैं मोल में, और इसको इसी तरह लिखते भी हैं, हिंदी में भी उसी तरह लिखते हैं, और इसका जो प्रतीक है वो भी इसी तरह। और लास्ट में दोस्तों हमारा रह गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैसे मापते हैं एन डे ला से, इसको हम लोग लिखते हैं सीडी से।
तो ये दोस्तों एसआई यूनिट में बताया गया है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और इसका प्रतीक एम होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, और इसका प्रतीक केजी होता है, विद्युत धारा का एम्पियर ए, उष्मा गति ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें दो पूरक मात्रक के भी बारे में चर्चा किया गया है एसआई यूनिट में, पूरक मात्रक। तो दो पूरक राशियां होती है कौन कौन सी, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। ये दोनों राशियां हमारी कैसी राशि मानी गई है दोस्तों, ये पूरक राशि मापी गई है। तो इसका जो मापन होता है दोस्तों, इसको हम लोग रेडियन में, इसका मात्रक रेडियन में होता है, रेडियन होता है, और घन कोण का होता है स्टे रेडियन, ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि मूल राशियां क्या होती हैं और कौन कौन सी मूल राशि है और पूरक राशि क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। तो दोस्तों अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे यथार्थता एवं परिशुद्धता क्या होती है। दोस्तों इस लेक्चर के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपके लिए सर ने इतना बेहतरीन प्रयास किया है तो आप लोग जो है इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद आज के लिए।